गाइस देखिए ये कचौड़ी बनके हो गई है रेडी और आज का ब्लॉग स्पेशल इसी कचौड़ी के। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हम सब आई हो, आप लोग सब ठीक हो गए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम दोपहर 12 बजे से। तो गाइस सारा काम मेरा हो गया है, मैं ना घर भी आ गई हूँ, पूजा भी हमने कर ली है। वो तो 12 बज रहे, तो ये तो मैंने ब्लॉग लेट स्टार्ट करा है। बाकी ये काम जो मैं बता रही हूँ ये तो हमारा सुबह 8-9 बजे तक बाकी हो गया था सारा। और बच्चे अभी आए नहीं घर पे, आज आने वाले हैं, आपको ब्लॉग में मैं उनको भी दिखाऊंगी। और अभी बना रही हूँ मैं मट्ठी, जो कि मुझे होली से पहले बनानी थी, मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा अब बना लेती। तो ये देखिए गाइस, मैंने आटा लगा दिया है, मसाला मट्ठी बना रही हूँ। इसमें क्या क्या डाला वो मैं दिखाऊंगी आपको, सॉरी दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी ब्लॉग मैंने मट्ठी का डाला हुआ है। मट्ठी नमक पारे दोनों बनाऊंगी और इसमें खस्ता कचौड़ी भी बनाऊंगी मैं तो, और वो थोड़ी डिफरेंट बनाऊंगी तो वो आपको मैं जरूर दिखाऊंगी। बाकी मट्ठी और नमक पारे की ब्लॉग तो मैंने रेसिपी आपको दे दी थी इस वजह से। और वैसे मैं इसमें बता दूं, मैंने थोड़ा हल्दी पाउडर मसाले सारे डाले हैं, कस्तूरी मेथी डाली है इसके अंदर मैंने, और चिल्ली फ्लेक्स डाले हैं, और काला नमक मैंने दोनों तरीके के डाले हैं। और थोड़ा सा इसमें मैंने हल्दी पाउडर इसलिए डाला, थोड़ा सा वो आता है कलर चेंज हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी दिखने में भी और खाने में भी अच्छी लगेगी। और बाकी का मैंने कस्तूरी मेथी और काली मिर्च पाउडर और अजवाइन तो बहुत ज़रूरी है वो मैंने डाले थे, मैंने सारे मसाले इसमें डाले हुए हैं और बहुत टेस्टी बनेगी तो मैं आपको बना के फिर दिखाऊंगी। और ये देखिए, तो बाकी का काम अभी मैं करती हूँ आगे, तो बच्चे भी दोपहर तक आ जाएंगे, दोपहर तो मतलब 1:30-2 बजे तक आ जाएंगे घर पर। खाने की प्लेट लगा दी है, दाल चावल आलू की सब्जी रोटी मैं इनके लिए लेके जा रही हूँ खाने। तो मैं मट्ठी थोड़ी देर में बनाऊंगी, पहले खाना खा लेते हैं हम। इसमें आलू की सब्जी है, इधर दाल चावल, तो मैं भी ले लेती हूँ खाना। तो ये मैंने अपने लिए प्लेट लगाई है, मुझे दाल चावल ऐसे ही अच्छे लगते, बीच में होल करके दाल और सब्जी मैंने ले ली है। मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। मैं बैठी हूँ रूम में, क्योंकि मैं बहुत देर टाइम लगा मट्ठी बनाने में, तो मैं इधर बैठ के बना रही हूँ। तो इधर से मैंने रोल करके ये मट्ठी के लिए मैंने कट कर दिया है रोल, इसको वैसे नहीं बनाऊंगी पेट उसमें, ये हल्का सा इसको ऐसे तवा के, और ये मट्ठी रेडी छोटी छोटी वाली बनाऊंगी मैं। तो इस तरीके से मट्ठी बना लूंगी सारी, और नमक पारी बनाऊंगी वो भी दिखा लूंगी। इधर मैंने आटा लगाया हुआ है जो कि मैं इसे ढक दूँ। तो ये देखिए गाइस, मैंने ये मट्ठी बना के रेडी करी है अभी, तो मैं और बना लेती हूँ अभी। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने नमक पारे के लिए पूरी रोटी बोल इसको बेलती है, और ये देखो इतनी पतली है ये, इसके नमक पारे कट करूँगे और दिखने में इतनी अच्छी लग रही है कलरफुल सी, ये देखिए देखिए। तो इसको ऐसे कट कर लूँगी मैं, ये देखिए। तो ये मेरे नमक पारे बन गए, ये देखिए देखिए मट्ठी रेडी। इधर नमक पारे और एक डिजाइन और बनाऊंगी अभी। तो फिर से मैंने पूरी रोटी बेल ली है ये, और एक इस तरीके का मैंने ढक्कन ले लिया जिससे मैं कट करूंगी काजू, ये इस तरीके से, ये देखिए एक कट करके दिखाती हूँ, ये देखो बन गया। ये मैंने रेडी कर दिए नमक पारे, और ये काजू कट में नमक पारे कट करिए मट्ठी है। इधर मैंने तेल गरम करने रख दिया है, तो इनको फ्राई कर लेती हूँ मैं। तो इसके अंदर मट्ठी डाल दूंगी मैं, ये देखिए स्लो गैस पे इनको फ्राई करूंगी, ये देखिए। तो इधर ये फ्राई हो रही है मट्ठी, गाइस मट्ठी बनके हो गई रेडी, तो हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हम निकाल लेते, एक मट्ठी मैंने इधर, जैसे कि आपको पता है मैं चूल्हे के पास रखती हूँ, फिर मैं सेक के फिर आपको दिखाती हूँ। ये दोबारा से हमारी मट्ठी सेक रही है, इधर मैंने नमक पारी सेक दिया और ये मट्ठी भी। इधर ये जो मैंने काजू कट किए थे इसके अंदर मैंने मसाले डाले हैं, और साथ में ये देखिए मैगी मसाला डाला, तो ये मसाले वाले, ये देखिए। तो इसके अंदर गर्म गर्म में ही मैंने मसाले डाल दिए थे,
पे एक तरह की नमकीन ही बन चुकी है, ये देखिए। और इधर ये रेड हो रहे हैं, बाकी की मछली सीख रही है, बच्चे अभी आने वाले हैं, बस लेने गए हैं उनको। आ गए, अभी दिखाती हूँ आपको। आप ये आ गए घूम के, छुट्टियाँ काट के अपनी। तो बच्चे कपड़े चेंज कर रहे हैं अंदर, एसी आ लिया, मेरा काम भी ख़त्म हो गया बस। देखिए मैंने ये नमक पारे बाकी सारी चीज़ बना दी, और ये कचौड़ी बनाने के लिए जो मैंने बताया था स्पेशल बनाऊंगी वो बनाऊंगी। स्पेशल ये है कि मूंग की दाल की, प्याज की, आलू की, सबकी कचौड़ी बनती है। आज मैं ये नमकीन की ये मिक्स लिए, और ये आलू भुजिया, ये कुछ मैंने स्लाइस लिए हैं कोकोनट के, तो इनको मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा इसका वो बना देती हूँ पाउडर। तो गैस इसके अंदर मैंने डक किया है, तो इसको बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, इस प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए तो मैंने ये निकाल दिया है सारा, तो इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा मैं टमाटो केचप। देखिए वो अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं, तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तब जो कचौड़ी हमने पेड़े मैंने बना कर रख लिए है इधर देखिए, तो इसके अंदर मैं भर देती हूँ, क्योंकि ये वो खस्ता कचौड़ी है, बहुत टेस्टी और फटाफट बन के रेडी हो जाएगी, आपको दाल की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ये देखो मैं इस तरीके से इसके अंदर है, इसको मैं भर देती हूँ। ये देखिए तो मैं इसको अच्छे से कर देती हूँ, पूरी बढ़िया कचौड़ी बनेगी ये इस तरीके से बंद। ये देखिए हाथ से इसको दबा देती हूँ मैं ऐसे, तो ये बनके कचौड़ी होगी रेडी। तो मैं सारी रेडी कर लेती हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए गाइस मैंने सारी कचौड़ी बना के रेडी कर ली है, अब इनको सेक ले। तो यहाँ ऑयल गर्म हो गया, तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। ये देखिए यहाँ हमारी फटाफट गर्मा गर्म कचौड़ी बन के रेडी हो रही है। आप इस तरीके से बनाना ज़रूर, क्योंकि बहुत जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी। तो गाइस कचौड़ी बन के हो गई रेडी, तो ये देखिए अभी इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए गाइस बहुत ही टेस्टी लग रही है खस्ता कचौड़ी, सानू हमारा यहाँ खा रहा है, इसको भी बहुत अच्छी लगी है, बोल भी नहीं रहा कुछ। गाइस देखिए ये कचौड़ी बन के हो गई है रेडी, और आज का ब्लॉग स्पेशल इसी कचौड़ी के लिए था, क्योंकि नमक पारे मट्टी तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, और जो फटाफट आपको खस्ता कचौड़ी खानी हो तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मीठी मीठी चटपटी पूरा टेस्ट आएगा इसमें, खट्टा मीठा इस टाइप का। आप चटनी के साथ या दाल के साथ भी इसको खा सकते हो, अचार के साथ भी खा सकते हो, चाय के साथ भी खा सकते हो, जिस अपने टेस्ट अनुसार किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। और बहुत ही यम्मी टेस्टी कचौड़ी बन के होगी रेडी, झटपट कचौड़ी। तो बाय बाय।